आज हम जो कहानी सुन रहे हैं उसका नाम है करामाती लड्डू। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। ए नीचे आओ ना, किस्नू ने फ्लैट की बालकनी में खड़े कबीर और किया को आवाज लगाई। उनकी दोस्ती अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। किस्नू अपनी बहन ग्यारसी, भाई भोला और मम्मी पापा के साथ गांव से आकर पास ही नई बन रही बिल्डिंग में मजदूरों के लिए बने टप्पर में रहता था। हम उम्र बच्चों का प्यार भरा आग्रह भला कैसे टाला जा सकता था। सो दोनों करीब करीब दौड़ते हुए नीचे आ गए। आखिर उन्हें भी तो बजरी के ढेर में चढ़ना, कूदना और उसमें से छोटे छोटे शंख सीपियां ढूंढने में बड़ा मजा आता था। लगता था जैसे खजाना बटोर लिया हो। किस्नू जब गांव के बारे में बताता तो दोनों बहुत ध्यान और आश्चर्य से सुनते थे। उसने बताया कि गांव में हमारे घर कई गायें और उनके प्यारे प्यारे बछड़े हैं, दो बैल भी हैं जो खेती में काम आते हैं। घर में ही आम और नींबू के पेड़ हैं। पास ही में नीम, पीपल और एक घना बरगद का पेड़ है जिसके नीचे बहुत ठंडी हवा चलती है और हम सब वहां खूब खेलते हैं, पेड़ों पे चढ़ते भी हैं। तभी सबका ध्यान किस्नू की बहन ग्यारसी की ओर गया, जो अपनी मित्र पूनम के साथ मिट्टी की गोलियां, नहीं नहीं, लड्डू बना रही थी। बच्चों ने पूछा, दीदी ये क्या कर रही हो? उन्होंने बताया, ये खाद मिली हुई नम मतलब गीली मिट्टी है। इसमें हमने अलग अलग तरह के फल व फूल वाले पेड़ों के बीज मिला दिए हैं। अब इनकी गोलियां बनाकर सुखा के रख देंगे, फिर पैदल, बस या ट्रेन से जब कहीं जाएंगे तो रास्ते में इन्हें डाल देंगे। बीज के चारों ओर मिट्टी लगी होने से इन्हें गिलहरी, चूहे और अन्य पक्षी नहीं खा सकेंगे और फिर जब बरसात होगी तो वर्षा के पानी से बीज अंकुरित हो जाएंगे और हरे भरे पेड़ उग जाएंगे। इससे हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी। फिर और बारिश होगी तथा सांस लेने के लिए हम सबको शुद्ध हवा भी मिलेगी। किया और कबीर ने घर लौटकर यह बात डिनर टेबल पर बैठकर सबको बताई। मम्मी पापा को भी आइडिया बहुत पसंद आया। दादाजी ने कहा, अरे ये तो बड़ा करामाती लड्डू है, ऐसा तो हम सबको करना चाहिए। कबीर ने कहा, हाँ दादू, मैं ये आइडिया अपनी क्लास टीचर मैम को भी बताऊंगा ताकि हम सब भी अर्थ डे पर ऐसे लड्डू बनाकर अपनी मदर अर्थ को सेव करने के लिए और ग्रीन बनाने के लिए हेल्प कर सकें। है ना गुड आइडिया? तो कैसी लगी आपको करामाती लड्डू की कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।